HDFC बैंक शेयर को काउंटर्स पर जल्दी से व्यू ले लेते हैं, जहां पर आपको एक्शन अच्छा बनते हुए दिख रहा है। HDFC बैंक भी 1700 के ऊपर आपका बंद हो रहा है, और एक्सिस ICICI तो हमने थ्रू द शो कवर कर लिया था, एक बार HDFC बैंक पर भी नजर डाल देते हैं जिसमें आज जबरदस्त एक्शन आया है। बंसल जी जरा बताएं, HDFC बैंक इसमें क्या करके जाना है, 1700 के ऊपर आज क्लोज होने के लिए तैयार है सर? दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है और यहाँ पे दीपांशु 1700 नहीं, 1721 22 के लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। 1720 1721 वो लेवल्स हैं, ये जो बड़ा मेल्टडाउन इसके अंदर देखने को मिला था, दैट इज़ द पिवट जस्ट बिफोर दैट मेल्टडाउन, तो इन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। 1720 21 के लेवल्स जब ये तोड़ेगा तो एक नई टेरिटरी में निकलेगा, जिस तरीके से इसने अभी नीचे से सबको सरप्राइज करा है कि इतना बड़ा वी शेप मूव देखने को मिला है, इरिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी, इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्लोबल मार्केट्स के मूव को देखिए, सब सब कुछ छोड़ते हुए अलग चला है HDFC बैंक। 1720 1721 के स्तरों पर नजर रखनी चाहिए, अगर ये टूटेगा तो इसी तरीके का अप मूव दोबारा देखने को मिलेगा। तो चलिए 1720 1721 के लेवल पर रखिए नजर, HDFC बैंक लंबे समय बाद ये भी 1700 के ऊपर बंद होने को तैयार हो रहा है। प्राइवेट बैंक्स आज के सार से 950 पॉइंट की मूव जो आई है उसमें एक्सिस ICICI HDFC इन तीनों का योगदान था। SBI भी आपका 1% से ज्यादा ऊपर है। निफ्टी में भी नए रिकॉर्ड्स लगे हैं और उसमें बैंक्स के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छी मूव दिखा रहा था, इन्फोसिस और TCS यहां पर भी आपको अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है।